Hello everyone, I'm Amit Kawade and welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by An Academy. I have recently cleared SBI PO exam during this year and I have some questions by aspirants regarding the exams. So I will start. What are the different types of banks exam? So there are various exams, you know, आपका RBI का exams होता है, grade B का exams होता है, assistant का exams होता है, SBI के दो clerk and POs का exam होता है और IBPS भी exams conduct कराती है. तो ऐसे काफ़ी सारे exams हैं banking के. What is the ideal preparation time required? I don't think there is an ideal time. But I think you need minimum 6 months of preparation to crack any banking exam. Should I give equal weightage to all sections? Yes, it is very important to give equal weightage to all sections. But I would like to say you should focus on your strength as well as weakness. You can improve aap strength ko zyada aur zyada zyada acche se kar sakte hain. और एग्ज़ाम का ट्रेंड ऐसा बन गया है कि आप एक सेक्शन पे रिलाय नहीं कर सकते, आपको हर सेक्शन में यू हैव टू परफॉर्म वेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर फेवरेट सेक्शन? आई थिंक इंग्लिश, इंग्लिश वाज माय फेवरेट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स डेली? मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी. भले ही आप प्रीलिम्स निकाल लो पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इसेंशियल बन जाता है और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी न्यूज़पेपर इज अ मस्ट. तो न्यूज़पेपर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको डेली एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर जनरली पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज How important is mock test? Mocks तो काफ़ी ज़्यादा important है, आपका prelims और mains mocks के ऊपर ही dependent है. आप कितना ज़्यादा mocks से analyze करते हैं खुद को, आप कहाँ stand करते हो, ये सब आपको mock test देने के बाद ही पता चलेगा कि where you stand and how to improve yourself. So mocks are really really important. Next question is How do I find a balance between speed and accuracy? So ये question मुझे भी पहले काफ़ी होता था कि मेरा speed तो पहले मैं ज़्यादा focus तो speed पे करता था but मेरी accuracy उसके वजह से कम हो जाती थी. तो I used to do that कि मैं पहले accuracy पे focus करने लग गया, मैं सिर्फ accuracy सिर्फ इसी चीज़ पे focus करते गया. तो accuracy जैसे जैसे मेरी improve होती गई वैसे वैसे साथ में मेरी speed भी improve होती गई. So मेरा कहना यही है कि आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एग्जाम डे स्ट्रेटजी? सही, एग्जाम डे स्ट्रेटजी तो आपको अगर आपका एग्जाम है तो आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाना है, माइंड को शांत बना के रखना है, एज मच वाटर एज यू कैन. और एग्ज़ाम के टाइम जाने से पहले आधा घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना इज़ अ मस्ट ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत एग्ज़ाम के टाइम बहुत इम्पैक्ट करती है. तो फिर से और आपको एग्ज़ाम के दिन कोई भी मॉक नहीं देना है, अदरवाइज एग्ज़ाम में मॉक में आपके स्कोर कम हो जाएगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और उसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम पे इफेक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा. तो एग्जाम के दिन बी चिल, बी पॉजिटिव, बी काम एंड कंपोज और इसी एटीट्यूड के साथ एग्जाम देनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉप थ्री मिथ्स अबाउट बैंकिंग एग्जाम. फर्स्ट मिथ इज दैट कि ओनली इंजीनियर्स क्लियर एग्जाम, ऐसा नहीं है. मेरे काफ़ी सारी बैचमेट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ऑल हर बैकग्राउंड के लोग SBI में आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं और सब वही क्लियर करते हैं. सेकेंड मिथ इज दैट आप बिना मॉक के भी निकाल सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस. तो ये सेकेंड मिथ है, बिना मॉक्स के आप कुछ नहीं कर सकते. आप प्रीलिम्स और मेंस में आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी अगर आप मॉक नहीं देंगे तो. एंड द थर्ड मिथ इज दैट करंट अफेयर्स सिर्फ प्रीलिम्स के बाद पढ़ना चाहिए. ये भी बहुत
बड़ा मिथ है, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले कुछ ट्रेंड में हमको देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स 6 महीने के या 8 महीने के बैक डेट के पूछे गए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से आपको करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में क्या बहुत कम होता है, और इतने दिन में आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और आपको जनरल अवेयरनेस की भी प्रिपरेशन करनी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले से जनरल अवेयरनेस फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग। मैंने तो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, बट मुझे अगर चूज करना रहता तो मैं ऑनलाइन कोचिंग चूज करता, क्योंकि कैसा है ना कि ऑनलाइन आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, और इसका बेनिफिट ऑफलाइन क्लासरूम से ज़्यादा है। और आजकल के कोविड के सिचुएशन की वजह से कब क्या बंद हो जाए वी कैन टेल एनीथिंग, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कोई ऑनलाइन कोचिंग चूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई थिंक इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। 2 मार्च को मेरा इंटरव्यू था मुंबई में। पहले तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, पहले तो ब्रेकफास्ट दिए। ब्रेकफास्ट होने के बाद हमको सेकंड फ्लोर पे बुलाया गया, फिर वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ना आपको सब डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में बराबर सेट करना है। मैंने काफ़ी एक्सपेरेंट्स को वहाँ पे नोटिस किया कि वो वहाँ पे जाके एक्चुअली डॉक्यूमेंट सेट कर रहे थे। उसकी वजह से क्या होता है, आपका माइंड स्टेबल नहीं होता है, और वो माइंड स्टेबल ना होने की वजह से आपका नेक्स्ट जब इंटरव्यू होता है तो उस पर काफ़ी एक निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आप याद रखें। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था मेरा। आई थिंक मेरे पैनल में 5 मेंबर्स थे, उसमें से 3 फीमेल ऑफिसर्स थे और 2 मेल ऑफिसर्स थे। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा, पैनल बहुत ज़्यादा कॉर्डियल था, बहुत फ्रेंडली था, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आई थिंक बहुत फ्रेंडली कॉर्डियल बहुत होते हैं वो। अगर आप उनको बोलोगे कि सॉरी आई कैंट रिमेम्बर एनीथिंग तो वो स्विच कर देते हैं। तो दे आर वेरी चिल। आई थिंक इंटरव्यू एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में ही आया थी। तो दैट वाज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन समवन टॉप इन इंटरव्यू। आई थिंक इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आपको ड्रेसिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सम बिजनेस एटिकेट्स आर देयर दैट कि आपको लाइट कलर का शर्ट पहनना चाहिए, डार्क कलर की पैंट पहननी चाहिए, योर बेल्ट शुड बी मैच विद द शूज ऑफ योर कलर, और आपके ये जो सॉक्स होते हैं वो पैंट के कलर के साथ मैच होने चाहिए। ये सब बेसिक बिजनेस एटिकेट्स हैं, और ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं इंटरव्यू में। और एक चीज़ है कि आपको कभी भी ब्लफ नहीं करना है। अगर आपको चीज़ें पता नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं पता, आई विल रीड मोर अबाउट इट। वो पैनल आपको कुछ नहीं बोलेगा, दे विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड थिंग इज दैट आपको काम और कंपोज रहना है, डरना नहीं है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो यू कैन से दैट यू डोंट नो, और कभी भी ब्लफ नहीं करना है, निगेटिवली साउंड नहीं करना है, और दैट्स इट। और जो बी योर सर, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। आप जैसा आपको लगता है आप दे सकते हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बैंक पीओ। आई थिंक बैंक पीओज को काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। जनरली तो आई थिंक क्रेडिट में ज़्यादातर फोकस होता है पीओस का। फिलहाल तो ज़्यादातर डिजिटल बैंकिंग एंड अल्टरनेट चैनल इसी पे ज़्यादा फोकस होता है, बट मोस्टली आई थिंक क्रेडिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और क्रॉस सेलिंग पे ज़्यादा फोकस। हाउ डज अ बैंक पीओ अफेक्ट द लाइफ ऑफ द जनरल पब्लिक। आई थिंक SBI का इम्पैक्ट अपने इंडियन इकोनॉमी और रूरल सेक्टर पे काफ़ी है, और POs की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी कस्टमर आए तो उनकी टाइमली एंड ड्यू डिलीजेंस से उनकी कंप्लेंट को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें। एंड जनरल पब्लिक पे आई थिंक इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है, और कस्टमर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी सी
कंप्लेंट्स भी अगर उनकी रिजॉल्व हो जाए तो वो काफी खुश हो जाते हैं। अपने लिए वो लगता है कि हाँ ये तो छोटी सी बात है, बट उनके लिए वो चीजें काफी बड़ी होती है। तो इट्स रियली आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ आप भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर द कंट्री, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। सो या वो फीलिंग काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन टाइम। आई थिंक सबसे ज्यादा मेमोरेबल टाइम जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था और इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम आई यूज टू रीड 3-4 न्यूज़पेपर डेली, और मैं हर चीज़ पढ़ता था और बायोडाटा परफेक्टली करता था। आई थिंक सबसे फन मेरा प्रिपरेशन के टाइम इंटरव्यू के स्टेज पे ही था, और मेरा स्कोर भी अच्छा है। तो या इट वाज अ मेमोरेबल टाइम फ्रॉम माय प्रिपरेशन। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस के आंसर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। द अनअकैडमी टेल विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। थैंक यू।